इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फालतू के नोटिफिकेशन जो क्रोम पे हमेशा आता रहता है, तो उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं या किसी वेबसाइट को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो वेबसाइट मुझे फालतू के नोटिफिकेशन नहीं भेजे। कभी कभी क्या होता है कि कभी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो और वो वेबसाइट बेसिकली बार बार आपको फालतू के नोटिफिकेशन भेजते हैं और काफ़ी इरिट्रेशन होता है और हम सोचते हैं कि इसे कैसे ब्लॉक करें। तो इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीका मैं बताऊंगा कि इस तरह के फालतू नोटिफिकेशन को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हो कि मैंने क्रोम ओपन कर रखा है और ये मेरा चैनल है के के हिंदी ज्ञान। यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो बिना टाइम गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्रोम ओपन करना है, उसके बाद आपको ये ट्रिपल डॉट देख सकते हैं, राइट, यहाँ आपको दिख रहा होगा ट्रिपल डॉट, राइट, एक कॉर्नर में क्रोम के कॉर्नर में ट्रिपल डॉट्स होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि क्रोम का जो एड्रेस बार है उसमें आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ, क्रोम कॉलन स्लैश स्लैश सेटिंग्स, इसके लास्ट में स्लैश कंटेंट आपको लिखना है कंटेंट और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, राइट, यू कैन सी कि यहाँ नोटिफिकेशन है, राइट, आप नोटिफिकेशन ए ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो एरो का साइन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन पे, राइट, नोटिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है या नोटिफिकेशन के बाजू में जो एरे था उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि ये सारे वेबसाइट्स आपके क्रोम ब्राउजर में यहाँ है जो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन भेजता है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि सिटी बैंक से मुझे नोटिफिकेशन आता है, तो सिटी बैंक एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है तो मैं इसे रहने दूंगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ गूगल के हैं जहाँ आपको इस पर क्लिक करोगे तो इसको रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है। सिटी बैंक को यहाँ देख सकते हो ट्रिपल डॉट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, अलाउ, एडिट और रिमूव, राइट। और इसी तरह से यहाँ फेसबुक का नोटिफिकेशन आ रहा है, गूगल ड्राइव का आ रहा है, गूगल का जो जीमेल है उसका आ रहा है, और एक फिजूल का वेबसाइट है en.savefrom.net, ठीक है ना, इससे मुझे बहुत फिजूल नोटिफिकेशन आता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये ट्रिपल डॉट है इस पर क्लिक करके और इसको मैं ब्लॉक कर दूँगा, राइट। ब्लॉक कर देने के बाद आप देख सकते हो वेबसाइट यहाँ से चला गया और इससे मुझे नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट से फिजूल के नोटिफिकेशन आपको सेंड किया जाता है जिससे काफ़ी आपको प्रॉब्लम होता है, इरिट्रेशन होता है, राइट, कभी कभी इम्बेरस भी होना पड़ता है फिजूल के नोटिफिकेशन। कुछ एडल्ट किसी ने आपके लैपटॉप पे कुछ एडल्ट वेबसाइट को विजिट किया तो वहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा हो, तो कभी कभी आपको इम्बेरस भी होना होगा। तो इस तरह से आप किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो फिजूल के नोटिफिकेशन आपके क्रोम पे या आपके कंप्यूटर पर सेंड नहीं करे। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए आप सोशल मीडिया का सोशल वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू एंड सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।